वेलकम टू आर चैनल एवरीवन। आज हमारे पास है ग्रे कलर की स्कोडा सुपर्ब। इस पर हम सेरामिक कोटिंग करने वाले हैं, पर उसे करने से पहले गाड़ी पर कुछ डेंट्स हैं जो हमें रेक्टिफाई करके इस गाड़ी के कुछ पैनल्स पेंट करने पड़ेंगे। गाड़ी के एजेस काफ़ी शार्प है तो डेंटिंग का काम अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। पैनल्स पे आप देख ही सक रहे हैं कहां कहां पर डेंट्स हैं। टोटली हमने 6 पैनल पेंट किए हैं, उसमें से 3 या 4 पे जहां जहां डेंट्स हैं हमने दिखाने की आपको कोशिश की है। गाड़ी पर पेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करने से पहले हमने गाड़ी को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद हार्ड वाटर स्केल रिमूविंग किया और इसके बाद गाड़ी का डेंटिंग का काम हमने कंप्लीट किया। गाड़ी का सारा पेंटिंग हमने पेंट बूथ में किया है, इससे पेंट में कचरा नहीं आएगा और फाइनल फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। एक क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि गाड़ी का कोई भी पैनल रीपेंट करने के बाद ओवरऑल गाड़ी पर रफनेस फील होता है, सो बेसिकली जो पेंट हवा में उड़ता है कभी कभी वो गाड़ी के बाकी के पैनल्स पर जाके बैठ जाता है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसको रिमूव करने के लिए। नॉन इंट्रूसिव मेथड से ये ओवर स्प्रे हटाया जा सकता है। इसको खाली अच्छे से क्ले करने की ज़रूरत है, तो जहाँ पर भी पेंटिंग के बाद आपको रफनेस लग रहा है वहाँ पर एक अच्छे क्ले बार से आप अगर सरफेस को क्ले कर देंगे तो वो रफनेस ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई भी आपको बोलता है कि इसको सैंडिंग करना पड़ेगा और या पॉलिशिंग ट्रीटमेंट से ये रफनेस ख़त्म होगा तो वो आपको गलत सजेशन दे रहा है।
इस प्रॉब्लम को क्लेइंग के थ्रू बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है। बॉडी पर कहीं भी सैंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। खास ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को आपके गाड़ी के विंडशील्ड या बाकी के कांच पर सैंडपेपर यूज़ कभी भी ना करने दें। अगर पेंटिंग के बाद आपको विंडशील्ड या बाकी ग्लास एरिया में रफनेस फील हो रहा है तो एक बार अच्छे से किसी भी प्रोफेशनल से जाके क्लेइंग करवा लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो आपको एक वॉशिंग का प्रीमियम पैकेज दे, क्योंकि बिना वॉश किए अच्छे से क्ले नहीं किया जा सकता। पेंटिंग का पूरा प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है, इसे हम पॉलिशिंग करेंगे सिरेमिक कोटिंग करने से पहले। पर उससे पहले हमें जो जो पैनल्स हमने रिपेंट किए हैं वहाँ पर लाइट हैंड सैंडिंग करना पड़ेगा। जिन जिन पैनल्स पर सैंडिंग हुई है आप देख पाएंगे कि वो पैनल्स काफ़ी डल लग रहे हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कार। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उन पैनल्स को हम कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग करेंगे तो ये सारा डलनेस हट जाएगा और ओरिजिनल कलर का जो शाइन है वो वापस निखर कर आएगा। हम लोग सिलेक्टिव पैनल्स पर भी डेंटिंग एंड पेंटिंग करते हैं, तो अगर आपके दो या तीन पैनल्स पर लाइट डेंट्स हैं या स्क्रैचेस हैं तो उन्हें हम रीपेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पूरी गाड़ी को डिटेल करा सकते हैं ताकि ओवरऑल हर जगह सेम फिनिश आए। याद रखें, अगर आपकी गाड़ी डल हो गई है या उस पर लाइट स्क्रैचेस है तो कोटिंग कर उसे ठीक किया जा सकता है। अगर हैवी स्क्रैचेस हैं या डेंट्स हैं तो वहाँ पर उन पैनल्स को हमें रीपेंट करना पड़ेगा।